आज जो मैं बुक के बारे में बताना चाहती हूँ आयुर्वेदा लाइफ स्टाइल जो आचार्य शून्य जी ने मैम ने लिखी थी तो इस बुक के बारे में बताने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ मैं कि जो शून्य मैम है वो बाहर रहती थी और उनको एक बीमारी हुई थी कोलाइटिस और ऐसी बीमारी के और और दो तीन एसोसिएटेड भी उनको जो बीमारियां थी वो एक साथ हो गई थी लेकिन उस टाइम पे उनको ना तो आयुर्वेदा का ज्ञान था ना मेडिटेशन का ज्ञान था और उस ज्ञान के से वंचित होके उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं के करूं और के ना करूँ तो अब जब उनके जो दादाजी हैं वो एक स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में उनके पास आई जब हमें भी अब जैसे मैं मैं मेरे को भी नहीं पता था कि मेडिटेशन क्या है ये सब कुछ विज्ञान इसका क्या है तो जब संगीता मैम भी उसी रूप में मेरी लाइफ में आए थे कि वो हम उस उन्होंने हमें समझाया कि ये ज्ञान कितना जरूरी हमारी लाइफ को ही समझने के लिए बाकी सब चीजें तो बहुत अलग है कि हमने सब कुछ जान लिया हमने साइंस पढ़ ली हमने ये पढ़ लिया लेकिन आधार जिस चीज का है वो है हमारी जिंदगी जब हम जिंदगी को समझेंगे तभी तो हम आगे जाके अपने आप को समझने के बाद ही हम दुनिया को समझ सकते हैं और दुनिया ही हमारे अंदर है वो भी हम मेडिटेशन के थ्रू ही जान सकते हैं तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो मैं आज बताना चाहूंगी आप सबने तो एक बुक होती है जब हम बुक लिखते हैं तो एक इंसान जब बुक लिखता है तो वो अपनी एक जर्नी लिखता है पूरी जितनी भी उसका जो पाथ उसने फॉलो किया वो उस बुक में लिख देता है कि ये मेरी स्टोरी थी ताकि अब हम इस बुक को पढ़ के जो मुझे समझ में आया ताकि मैं अपने आप को भी उस चीज से उभार सकूं या फिर अगर मैं भी उसी अः सेम बीमारी से ग्रसित हूं या नहीं हूं तो फिर भी मैं उसको जान सकूं कि कैसे मैं भी अपने आप को बेहतर बना सकती हूं तो उस चीज ने समझती इस बुक ने अर, बहुत सारी बुकों को हमें पढ़ने की जरूरत है आज के टाइम पे हम जो कर सोशल मीडिया में जुड़े रहे हैं और चीजा न पढ़े जाए हमारा ध्यान कहीं और भटका रहता है तो जब हम इस बुक की बात करते हैं तो जब हमें पता चलता है कि हम एक बुक पढ़ रहे हैं तो हम उस सामने वाले इंसान को आजकल हम जान नहीं रहे हैं कि हमारी सराउंडिंग में क्या चल रहा है या दूसरे वाला क्या समझ रहा है तो जब हम एक ऑथर की बुक पढ़ते हैं तो उसकी जो जर्नी है उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और वही लाइफ है जब हम दूसरों से सीखते हैं और उनको कुछ सिखाते हैं तो उसी से ही लाइफ बनती है तो इसमें हेल्थ के बारे में बता रखा है कि Health will manifest once you are begin to live in the alignment of nature intelligence। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं जैसे अगर हम कुछ भी काम करते हैं पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे हमारी जो सब्जियां होती थी किचन में जो बनाते थे कुछ खाना भी बनाते तो, तो हमारे पास सब्जियां उपलब्ध होती थी और वो इतनी हेल्दी होती थी कि हम जैसे उगाते भी थे अभी भी जैसे कुछ गांव में मैं गांव में रहती हूँ तो यहाँ पे जितने भी घर हैं वहां पे कुछ जगह छोड़ी रहती थी कि यहाँ पे हम सब्जी उगाएंगे तो उसको देख के इतना अच्छा लगता था जबकि हमारे घर में ऐसा नहीं है गांव से हम थोड़ी दूर रहते हैं तो हम अब मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं है हमारे घर में कि हम सब्जियां जो बाजार से लेके आते हैं उनमें इतने केमिकल होते हैं और फिर हमें ही उनको कहते हैं कि कितने केमिकल वाली सब्जी हम लेकर आए हैं आज और कुकर खाएंगे इसने हम और उन सब्जियां ना देख कामनों को है कि काश हम भी लगा लेते पहला तो चीजें हम सीखते हैं तभी हम उसको सुधार पाते हैं तो इसी के लिए जब हमारे जो ये शून्य जी थी जब ये हिंदुस्तान आई तो उन्होंने अपने दादाजी से सीखा कि कैसे जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो कितना कितना बड़ा है कितना विकसित हो रखा है कि आयुर्वेद में जो हम समझते हैं कि मॉडर्न पैथी जैसे हम अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इन्होंने स्वस्थ से रक्षा आयुर्वेदा का जो सिद्धांत है वो स्वस्थ की रक्षा मतलब जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसको पहले स्वस्थ रखना है हमें उसको ठीक रखना है बाद में हम जो रोगी है या जिसको बीमारी हो रखी है उसको हम ठीक करें जैसे अब कोरोना काल चल रहा है सबसे अच्छा यही उदाहरण है जैसे हरियाणा में भी कितने केस होंगे कोरोना के तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले ई हम घड़ा ध्यान लग, देने लगे कि इम्यूनिटी बढ़ानी है लेकिन अगर हम पहले से ही रखते इस चीज को कि हमने इम्यूनिटी बढ़ानी है हमने पूरी दिनचर्या का पालन करना है अच्छे से कि सुबह उठना है दंतमंजन सब कुछ ये बिल्कुल अगर एक हम उचित प्रकार से करें तो फिर हमने एक रोग होएगा ही नहीं कोई भी रोग है उसकी इतनी क्षमता नहीं होती कि अगर हमारी शरीर की बनावट इतनी अच्छी हो जाए तो वह रोग हमारे पे आवी होगा ही नहीं तो हम रोग पे आवी होंगे कि हमने यो रोग मेरे अंदर नहीं आना चाहिए तो ऐसे ही अब अब आपने देखा होगा कोरोना के केस में तो एक घर के दो बंदा का तो हो गया कोरोना दोया का नहीं होया क्यों नहीं होया क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो जो खाना खा रहे थे और जो इम्यूनिटी का पालन कर रहे थे वो बिल्कुल सही था हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उस टाइम पे जितना अच्छा फल आहार खाया करते हम उसका वंचित रहने लग रहे हैं लेकिन हम हम यो नहीं कह सकते कि हम अगर पिज्जा बर्गर खा यार हैं और हमने कह हम उसका वंचित रहें हैं तो वो कोई बात नहीं हुई हमने खुद अपने आप तक तो ये कहना पड़ेगा कि ना मन यो पिज्जा बर्गर नहीं खाना मन जो खाना है जो पका के और अच्छी प्रकार से बना और खाना खाना है तो वही शून्य जी बोलते हैं कि जब वो हिंदुस्तान आई तब ज्ञान मिला क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में आप अभी भी देखो कि इतना कल्चर है कि वो फ्रिज में उड़ खाना खावे हैं उसने घने दिन रखे रखे हैं फिर उस खाने ने खावे तो वो क्यों उनके फायदा देगा तो अब यहाँ पे लिख रखे है ट्रस्ट इट सम मोर एंड हेल्प हेल्प इट हील्स इट कि हमारा जो शरीर है वो खुद में इतनी शक्ति रखे है कि अगर आ, कोई अब पहले तो हमारे पास था स्वस्थ की रक्षा करना कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो हमने स्वस्थ ही रहना है उसको स्वस्थ रखना कि कैसे कैसे हम जैसे उसने चवनप्राश विदेश के हैं या कुछ और चीजें दे के आवला, या ऐसी चीजें देकर हम उसने स्वस्थ रखे हैं। दूसरा अगर किसी का रोग हो गया तो उसने हम ठीक भी अगर एक इंसान चाहो तो वो हर प्रकार की बीमारी हर प्रकार की इस किताब में लिख रखा है हर प्रकार की जैसे कितनी खतरनाक बीमारी हो उसने हम अपने विश्वास से जीत सके हैं हम अगर अपने आप तो चाहें कि हम मैं अपने आप पर विश्वास है मैं ये मान रही हूँ कि मेरे यह बीमारी होगी तो लेकिन मेरा इतना विश्वास है कि मैं अपने आप इसने ठीक कर सकू तो उस चीज से हमने डाइवर्ट नहीं होना हमने ये सोचना है कि दवाई तो काम करने लग रही है लेकिन हमारी जो जो क्षमता है उस चीज ने बढ़ाण की वो और ज्यादा हो जाऊंगी उसके बाद है यहाँ पे कॉन्शियसनेस विद ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एंड एंड बिकमिंग पॉसिबिलिटी मतलब हमारी जो दिनचर्या है विद सम लेवल ऑफ फीलिंग्स जितनी भी है यूनिवर्स में अब आप कहोगे कि एक छोटा सा वैसे मैंने बहुत बड़ी आ गया है वो मैं एक बात बताना चाहूंगी जैसे कृष्ण जी थे कृष्ण जी क्या हुआ था जब यशोदा शोधा माँ उनके मुख में देखती हैं तो उनको पूरी संसार नजर आता उसमें सारा यूनिवर्स उनके अंदर सम्मिलित था और यही चीज हमें समझनी है आज हम हम प्रकृति को दूर दूसरों में दर, देखते हैं मतलब हमें देख हमें लगता है कि संसार जैसे हमारी आंखों से आंखों से हम देखते हैं वो संसार है खुली आंखों से देखना संसार नहीं है जब हम आंखें बंद करेंगे तो संसार हमारे अंदर ही है हम जितना खुद को जानेंगे हम हमें पता चलेगा कि संसार की सारी चीजें जो संसार में हो रहा है वही हमारे अंदर है और वही आयुर्वेदा में लिखा हुआ है कि जो संसार में है वही चीजें हमारे साथ होती हैं और वही हमारे अंदर है तो वो अपने गुरु किसको मानते हैं अपने दादाजी को उनसे ही वो सारी चीजें सीखती है और उनसे ही वो सीखती है कि जो आयुर्वेदा है और जो हमारा स्पिरिचुअल साइंस है ये जो मेडिटेशन है ये सब कुछ ये सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रिपेयरिंग मैकेनिज्म है हमारा लिविंग बॉडीज का कि हम अपने आप को ही हील हैं अपने आप को ही रिपेयर कर सकते हैं अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे जो जितना भी दिनचर्या के बारे में बता रखा है फिर इन्होने एक स्टोरी शेयर कर रखी है जितने भी क्लिनिकल स्टडीज के बेस पे हुई है तो इन्होंने एक डेली रूटीन जो होता है हमारा दिनचर्या हमारा खान पान वो सब के बारे में बता रखा है कि सब चीजों के अंदर एक, एक एनर्जी होती है और हम जैसे अगर जो हम हम चाहते हैं वैसा ये, ये मैं उदाहरण दे रही थी आपको कि ब्रेट करके लेडी थी वो रोज एक पिल खाती थी एक दवाई खाती थी ताकि आ, वो उनका अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो सके अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे आप ये समझ ले जो छोट छोटी हमारी आंत होती है बड़ी आंत तो छोटी आंत बड़ी आंत में फोड़ा हो जाना अगर हम साधारण उदाहरण देके समझे उस चीज को तो उन्होंने क्या, उन्होंने क्या हर मेडिसिन ट्राई की वो रोज़ एक एक दवाई खाती थी लेकिन उनको इतने इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ उनको वही पेन रहता था उतनी इलनेस रहती थी और आपने ये देखा होगा जैसे एक बीमारी हो जाती है किसी इंसान को फिर वो क्या क्या हो जाता उसके कि उसने जो दूसरी बीमारी हो जाए जैसे वो डिप्रेस रहना शुरू कर दे आजकल ये डिप्रेशन भी बहुत चल रहा है कि हम डिप्रेस रहना शुरू कर देते हैं हम अपने आप को नहीं समझ पाते और हम हम उस बीमारी ने अपने ऊपर हावी होना होने दे हाँ यह बीमारी तो होगी और फिर में मेरा जो दिमाग की क्षमता है कि मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए मन मन में सोचें लेकिन वह बीमारी हमारे ऊपर इतनी आई हुई हो जाए जैसे हम कैंसर की बात करें ऐसी ऐसी बीमारियां हैं तो वो हमारे ऊपर हावी हो जावे हैं लेकिन जिसको ठीक होना है उसके लिए मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप उसको हावी ना होने दे अपनी बीमारी पे हावी हो जाए जैसे आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग उन्होंने खुद को सिर्फ क्या किया उन्होंने जो आयुर्वेदा में जो ज्ञान लिख रखा है जिसमें ये बता रखा है कि कैसे हम खान पान से सबसे पहले तो कि जो जिस वजह से हमें ये बीमारी हुई है जैसे जो कारण हुए हैं जैसे जिस पानी से हुआ है या किसी भी चीज के दूषित होने से और उसको हमने ग्रहण किया तो उसकी वजह से हमें अगर ये बीमारी हो रखी है तो हम इसको दूर करें कि ये बीमारी हमें ना हो तो जो ये चीज अगर हम कर ले फिर अपने जो खान पान है उसको सुधार लें तो उसी से आधी से ज्यादा बीमारी तो वही ठीक हो जाती है उस इंसान की हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं होती तो उन्होंने ये पांच चीजें फॉलो की उन्होंने पहले तो किया वेकअप अर्ली अर्ली ईच मॉर्निंग एट अ सेट टाइम हमें एक उचित समय पे उठना चाहिए जो आयुर्वेदा में है कितनी शुद्ध होती है जैसे जैसे स्वच्छ uh, माहौल uh, में जिस माहौल में हम उठेंगे जैसे जो एनवायरमेंट होता है प्रकृति होती है हमारी वो उस टाइम पे सही होती है वातावरण बिल्कुल सही होता है अगर हम सुबह सुबह उठते हैं पक्षी भी और उनकी आवाजें सुनते हैं तो ऐसी चीजें वो खुद एक मेडिसिन का काम करती है लिए। फिर उसके बाद होते हैं हैव एन इन हर रूम एंड पुट फ्रेश फ्लावर्स ऑन इट एवरी एक वास में उन्होंने सुंदर फूल जो आज मैडम ने भी बताया कि फूल से कंपैरिजन जब हम करते हैं तो वो सबसे सुंदर कल्पना है किसी भी चीज की कि हम एक इंसान को फूल की तरह मानते हैं तो वो फूल से जो एनर्जी हमारे अंदर आएगी वो जो एनर्जी वो हमें देंगे वो हमेशा अच्छी होती है जितने भी हमारी प्रकृति है जितने भी प्लांट्स और है, वो हैं जो हमें एनर्जी देते हैं वो इतनी अच्छी होती है इतनी मतलब उनको अगर हम उदास होते हैं तो उनको वो भी पता चल जाता है हम गुस्से में होते हैं उनको वो भी पता चल जाता है तो हम उनसे कुछ छुपा नहीं सकते जैसे हम अपने आप से कुछ नहीं छुपा सकते मेडिटेशन में तो इन एवरी मॉर्निंग मेडिटेट ऑन हर हीलिंग फॉर मिनट्स कि हमें अपनी बीमारी के बारे में सोचना है कि मुझे इससे कैसे लड़ना है और उस उसमें 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 ध्यान लगा के 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 बिल्कुल अपनी सांसों के साथ जुड़ के, उसमें ये समझना है कि ये बीमारी अब हो गई पहले हमने स्वस्थ रक्षा की बात की थी अगर फिर दूसरा किया था विकार प्रशमन कि अगर हमें विकार हो जाता है या विकार मतलब कोई बीमारी हो जाती है तो उसे ठीक कैसे करना है तो उसको पंद्रह मिनट हम मेडिटेशन करें और उस चीज में खुद को जाने की मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है हाँ मैं मेरी जो एक एक सेल है वो इससे फाइट कर सकती है उसके बाद स्टॉप ईटिंग हार्मफुल फूड हमें ना हमें आ, एक तो उपवास जितने भी बताए गए हैं कि जैसे आ, जो नवरात्रे होते हैं वो एक शुद्धिकरण होता है अपने शरीर का मेरे लिए जो नवरात्रे है वो सबसे स्वच्छ माहौल होता है कि जब हम पूजा पाठ करें अपने जितने भी सराउंडिंग है वो क्लियर हो जाती है क्योंकि जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो जितना भी एनवायरमेंट में जो वायरस है सब कुछ क्लीन हो जाता है हर चीज की एक एनर्जी होती है जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड हमें थाली बजाने के लिए बोला था एक पर्टिकुलर समय पे बोला था तो हर चीज का एक उचित समय होना बहुत जरूरी है तो उन्होंने उस समय को क्यों बोला था कि उस टाइम पे एक साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी ऐसे ही हमारे हमारे नक्षत्रों से उनको रिलेट करते हैं तो उस उस दिन बजे जो जो समय था टाइम पे जो नक्षत्र थे वो बहुत उचित दशा में थे तो उस वजह से जब हम साउंड एनर्जी जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर भी उस एनर्जी के अंदर भी ये क्षमता है कि वो सारे जो ऑर्गेनिज्म थे जितने भी जैसे कोरोना वायरस है उसको किल कर देगा और उसके साथ साथ जो हमारे पास जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो उस एन साउंड एनर्जी के साथ मिलकर मल्टीप्लाई हो गया उस सारे और वायरस ने खत्म कर अपने जो के हैं और फिर है एक तो रोकना कि हार्मफुल फूड को नहीं खाना जैसे दही होगी नहीं खानी और जितने भी हम फ्रिज में रखते हैं ये चीजें जो हम रख देते हैं कि हम बात बचा कर खाओगे वो कति जहर है उसके बाद है ईट बेनिफिशियल फूड जितने भी हमारी जो नेचुरल जो स्पाइसेस हैं उसको हमें खाना चाहिए उसमें सब्जियों में या फिर किसी भी चीज में पका के बिल्कुल अच्छे से तरह से और जो घी है हमारे यहाँ तो टिंडी घी खावे हैं तो वो टिंडी घी तो मैंने इतना स्वाद ला गया जिसकी कोई भी नहीं अरे एक मेरी खुद की रेसिपी है जिसमें मैं क्या करा करूँ जिसकी वजह से मेरे डांट भी घनी पड़ा है कि मैं मलाई उतार के दूध के ऊपर की और फिर वो खाया करूँ उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दू लेकिन अब मैं चीनी भी नहीं मिलाती हूँ मैंने इतनी स्वाद लग गया ना कि जो गा गा का दूध आवा है उसकी वो जो मलाई हो है वो खाना ओहो जमा स्वाद आ जाए <laughs> तो ऐसी चीजें जो हमें खुशी देती हैं मतलब मेरे को इस खा के इतना आनंद मिलता है कि टिंडी की आज रोटी अब टिंडी की है तो बस मैं तो एक रोटी और फालतू खाऊंगी लेकिन अब मैंने यो समय जमाया है कि फालतू भी नहीं खाना खाना तो उचित मात्रा में ही है फिर है उनको जो अब जिन लेडी की मैं बात कर रही थी उन्होंने ये बहुत टाइम तक यही जो दिनचर्या इसको पालन किया यही पांच जो स्टेप बताए मैंने उनको फॉलो किया तो उनका जो जैसे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में है उनमें जो जो बाथरूम जाती थी तब उनको बाथरूम नहीं आता था तो लेकिन फिर वो क्लियर होने लगा उनको बिल्कुल अच्छे से मोशन होने लग गया ऐसे करके तो वो बताती है कैसे वो सिम्टम फ्री हुई जो आचार्य शून्य जी हैं उन्होंने ये ज्ञान उनको दिया कि आप मेडिटेशन करें ऐसा ध्यान करें जिससे आपको समझ में आए कि ये बीमारी कहीं बाहर जाके ठीक नहीं होगी ये आपके अंदर है तो आपके अंदर से ही ठीक होगी तो अब हमें उसके बाद एक लास्ट चीज में ये बताना चाहूंगी कि इंडिया में होम है स्पिरिचुअलिटी का जैसे पीएमसी हरियाणवी चैनल है और भी जितने सारे चैनल हैं ये अभी जो जो हमें बता रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी या फिर ध्यान कि, कितना महत्व है वही हमारे पूर्वजों ने हमें सिखा रखा है कि जैसे जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं जितने भी वो हमें सिखाते कि नॉलेज ऑफ लाइफ यही है यहीं से ही शुरुआत हुई है आयुर्वेदा की भी अगर हम बात करें तो यहीं से हिंदुस्तान से ही इसकी शुरुआत हुई है और ऐसे ही जो जितने भी महान ऋषि थे जैसे गौतम बुद्धा जी थे और भी जितने भी मुनि थे वो नेचर से कितने जुड़े हुए थे कि हमारी जो प्रकृति है वो ही हम हैं जैसे जिनको भी ध्यान में आगे बढ़े हैं वो जैसे गौतम बुद्धा की भी अगर हम बात करते हैं तो उनको भी ध्यान ध्यान में जुड़े थे तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठ के ही उनको ध्यान की प्राप्ति हुई थी तभी वो एक भगवान के रूप में आज जाने जाते हैं इंसान ही भगवान है मेरे हिसाब से तो ऐसे ही आयुर्वेदा बताती है कि आधी चीज तो दवाई करेगी आधी चीज तो जो हम प्रकृति से हम दवाई बनाएंगे आपके लिए जो आयुर्वेदा में जितनी भी जो नेचुरल पेड़ पौधे हैं उनसे ही दवाइयां बनती हैं तो आधा काम तो वो करेगी और आधा काम करेंगे आप खुद तो यही मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगी कि आ, हमारा जो लाइफ स्टाइल है विजिडम है वो सब कुछ कनेक्टेड है और ऐसे ही हम हमारे अंदर जो चीज हो रही है वही नेचर में है तो हम ही नेचर है और नेचर ही हम हैं तो थैंक यू